विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। प्रणाम पिताश्री। धन्यवाद माँ। आपका निमंत्रण पाकर हम कृतार्थ हुई। धन्यवाद नहीं शीघ्रता करो, अतिथि पूजा की तैयारियां संपन्न करने कभी भी पधार सकते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ। आपकी पुत्रियां यहाँ आ गई है ना, अब किसी भी अतिथि के स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। शीघ्रता करो। जगत पिता और जगत माता से ये भूल हो जाए कि वो अपने ही एक पुत्री को निमंत्रण देना ही भूल जाए, ये संभव नहीं। क्या वो ये भी भूल गए हैं कि मैं उन्हीं की एक पुत्री हूँ? मुझे अपनी पुत्री मनसा को भूल गए? संभव है वो भूले नहीं। संभव है माँ किसी और को भेज रही है मुझे लेने के लिए, कदाचित श्री गणेश को या फिर कार्तिकेय को या फिर बासुकी जी मुझे स्वयं महादेव की तीसरी पुत्री मनसा को लेने आ रहे हो? लगभग सभी अतिथि पधार चुके हैं, इसीलिए अब हमें भी सारी तैयारियां शीघ्र ही समाप्त करनी होगी। हाँ स्वामी। वल्ली जी, अरे वाह देवी देवसेना, आपने पूजा का प्रसाद तो अपने हाथों से ही तैयार कर ली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अत्यंत स्वादिष्ट भी अवश्य होंगे, जो प्रभु श्री सत्यनारायण जी को भाएंगे भी। और देखिए ना, ये देवी वल्ली द्वारा की गई ये पूजा व्यवस्था इतनी दिव्य है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, ये स्पर्धा की भावना जो इन दोनों के बीच में है, वो आज प्रभु सत्यनारायण की पूजा के प्रभाव से गंभीर मनमुटाव बनने से पहले ही मिट जाए। प्रणाम महादेव। बहन पार्वती, आपने इस व्रत की इतनी अद्भुत तैयारी की है, मुझे विश्वास है आज आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। आप दोनों का स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। पूजा की समस्त तैयारियां हो चुकी हैं, आइए। अद्भुत, सभी अतिथि पधार भी गए। ये दोनों देवियां कौन हैं? आज से पहले इन्हें कैलाश में कभी नहीं देखा, और मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे दोनों में माता का अंश हो। पूजा के शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। कोई बात नहीं, इन दोनों देवियों का परिचय तो मैं माता से पूजा के पश्चात भी प्राप्त कर लूंगा। आशा है सभी पधार चुके हैं। सुदामा जी, वो कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आए?
प्रणाम प्रभु, मैं यहाँ हूँ और अपने साथ उनको लाया हूँ जिन्होंने पूर्व में ये व्रत किया था। गुहा राजा सूर्यवंशी महाराज दशरथ, महाराज मोरध्वज और धर्मात्मा मनु। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। अद्भुत सुदामा जी, आप सभी का स्वागत है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। ब्रह्मदेव, अब किसी का आना शेष नहीं, आप पूजा आरंभ कीजिए। अब किसी का आना शेष नहीं, आप पूजा आरंभ कीजिए। किसी का आना शेष नहीं, आप पूजा आरंभ कीजिए। कौन हैं ये दोनों देवियाँ? क्या संबंध है इनका माता और पिताश्री से? उनके इतने निकट आसन ग्रहण क्यों किया इन दोनों ने? हम पूजा का शुभारंभ, संकल्प, कलश स्थापना और गौरी गणेश, नवग्रह, अष्ट दिक्पाल, षोडश मातृका पूजा से करेंगे। ओम पवित्र पवित्रो सर्ववस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्ड्रिकाक्षं स पायाभ्यन्तरशुचि। पुनः पुण्डरीकाक्षं वासनः। पंचामृत से स्नान कराएं। समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिगृहताम ओम भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां। आचमन हेतु जल दे। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। वस्त्र एवं उपवस्त्र अर्पित करें। शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जायाम रक्षणं परं देहलंकरणं वस्त्रमथ शांति प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवस्व नारायणाभ्याम नमः। वस्त्रं समर्पयामि। गणेश और अंबिका को वस्त्र समर्पित करें। यस्य भावेन शास्त्रोक्तं कर्म किञ्चन सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्। ओम भूर्भुवस्व नारायणाभ्यां नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमन के लिए जल अर्पित करें। वस्त्र उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नभिस्तन्तुभिः नौभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयं उपवीतं मया दत्तं विहान परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व नारायणाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसी के साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा तो संपन्न हुई। अब समय है सत्यनारायण कथा का। इसको सुने बिना पूजा और व्रत अधूरे हैं। प्रभु ब्रह्मदेव, इसके पहले कि आप कथा सुनाएं, हमें ये बताने की कृपा करें कि ये पूजा और व्रत आरंभ कैसे हुए। पुत्र गणेश, आपके प्रश्न का उत्तर तो सत्यनारायण कथा के प्रथम अध्याय में ही छिपा हुआ है।
सत्यनारायण कथा के प्रथम अध्याय में हमें ज्ञात होगा कि इस पूजा की स्थापना कैसे हुई। एक समय की बात है, नैमिषा आरण्य तीर्थ में यज्ञ के लिए शौनक जी के साथ 88 सहस्त्र ऋषिगण एकत्र हुए थे और जब वहां एक महान ऋषि सूत जी पधारे तो सभी के मन में एक ही प्रश्न था। कलयुग में शारीरिक, मानसिक और आत्मा के स्तर पर मानव महान यज्ञ करने में समर्थ नहीं होंगे, तब मनुष्य जाति के उद्धार का क्या उपाय होगा। तब श्री सूत जी ने बताया कि तीनों लोकों का भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद के मन में भी यही प्रश्न था और उसी प्रश्न को लेकर वो सीधे श्री हरि नारायण के समक्ष प्रस्तुत हुए। हे देवर्षि, मानव जाति के उद्धार हेतु आपने ये अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। परमेश्वर वो सर्वोच्च परालौकिक शक्ति है जिसके ऊपर सृष्टि के पालन का दायित्व होता है और इस परम सत्य शक्ति को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से स्वीकार कर सत्यनारायण कथा और व्रत का श्रवण करता है उसे उसके जीवन में दुख, पीड़ा, दरिद्रता आदि से छुटकारा मिलेगा। साथ ही उसका ज्ञान भी उजागर होगा और मृत्यु के उपरांत उसके पुण्य के फल स्वरूप उसे उत्तम जन और अंततः मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री हरि नारायण ने श्री सत्यनारायण की पूजा की महिमा और महत्व बताकर देवर्षि नारद को उसकी विधि से भी परिचित कराया और जगत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सरलतम व्रत प्रदान करने की कृपा की। इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय में उन दो भक्तों की कथा है जिन्होंने इस व्रत को किया और उनमें से प्रथम वो थे जिन्हें इस पूजा और व्रत के परिणाम स्वरूप अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो भक्त और कोई नहीं परम भक्त सुदामा थे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं अपनी कथा सुनाकर यहाँ उपस्थित साधु समाज को धन्य करें। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा और उनके आशीर्वाद से मुझे गोलोकवास का परम सुख प्राप्त हुआ। मुझे परम प्रभु श्री कृष्ण का सखा कहलाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, परंतु उससे पहले मेरे जीवन का दुर्भाग्य मुझे प्रतिपल काटता था, क्योंकि ब्राह्मण शतानंद के रूप में एक और मेरा उत्तम परिवार था, सुंदर सुशील पत्नी थी, पुत्र पुत्री थे और दूसरी ओर थी मेरी दरिद्रता। ऐसा दुर्भाग्य था कि मैं अपने परिवार के निवास हेतु एक उत्तम कुटिया धारण करने के लिए वस्त्र तो क्या, एक बार का भोजन भी उपलब्ध कराने में असमर्थ था। Oh.
ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं अपने परिवार को एक ऐसी छत भी नहीं दे सकता जो टपकती ना हो, जिससे मेरा परिवार बदलती ऋतुओं के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। स्वामी, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों है? स्वामी, आप रो क्यों रहे हैं? ना ही खाने के लिए भोजन है और ना ही पहनने और ओढ़ने के लिए वस्त्र। रोने के सिवाय और कर भी क्या सकता हूं? कितने माह बीत गए, मैं अपने परिवार के लिए उचित भोजन भी न ला सका। और कुछ दिनों से वो एक समय का भोजन जो किसी प्रकार में जुटा लिया करता था, वो भी नहीं मिला। ऐसी भीषण दरिद्रता में, ऐसे अभाव में अपने परिवार को देखकर कौन नहीं रो पड़ेगा? अब दुखी मत होइए स्वामी। जिस प्रकार अपनी ही कुटिया से मैंने ये मुट्ठी भर अन्न बटोरा है ना, उसी प्रकार आज हमें पेट भर भोजन भी अवश्य मिलेगा स्वामी। हाँ, आज मैं भूखा नहीं रहूंगा। मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। ये सच कह रहा है माँ, आज हमें भोजन मिलेगा। हाँ बेटा, प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर अवश्य रहेगी, मुझे विश्वास है। हरी कृपा से आज कुछ ना कुछ अत्यंत उत्तम ही होगा हमारे साथ। तो क्या चूरमा भी बनेगा? हम तो खूब खाएंगे। ओ, खीर भी ना? मुझे तो खीर बहुत स्वादिष्ट लगती है। सब कुछ मिलेगा और हम सब पेट भर के भोजन करेंगे, किंतु उससे पहले तुम सबको मेरे साथ चल के सूर्य नमस्कार करना होगा। चलो चलो चलो, तुम भी चलो। हमारी पुत्री कितनी समझदार हो गई है ना, उसके भाई बहन अपने पिता को विचलित ना देख सके इसलिए उनका ध्यान बटाकर अपने साथ ले गई है। उसकी विवाह की आयु हो रही है, किंतु मैं कैसा पिता हूं उसके विवाह के लिए कुछ जोड़ पाना तो दूर, मैं तो उसे एक समय की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूं। स्वामी, आप ही तो कहते हैं ना, जो कष्ट सहते हैं उन पर प्रभु का वास होता है। क्योंकि हमारे जीवन में आने वाली ये कठिनाइयां, ये भी तो प्रभु की परीक्षा ही है। हमें संकट के समय में प्रभु पर विश्वास बनाए रखना है, इसे ही सच्ची भक्ति कहते हैं। प्रभु श्री हरि पर विश्वास रखिए स्वामी। जब हमारे जीवन की डोर उन्हीं के हाथों में है, तो वही इन कष्टों को दूर करने का कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। आप उचित कहती हैं। प्रभु श्री हरि नारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। मैं उन पर विश्वास भंग नहीं होने दूंगा, कभी भंग नहीं होने दूंगा।
आपने जो भी अन्न एकत्रित किया है उसे दीजिए, मैं प्रभु को तो प्रसाद चढ़ा दूं। हटो मूषक, दूर हटो उस अन्न से। आज आपके भक्त के पास आपको जल चढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं है, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। ओम श्री हरि। दीदी भूख लगी है और भूख के कारण रात भर सो भी कहाँ पाया हूँ। हाँ दीदी, मुझे तो अभी ऐसी भूख सता रही है कि अगर आज भी भोजन ना मिला तो कहीं मैं यहीं ना गिर जाऊँ। हाँ दीदी, ऐसे बिना भोजन के हम कैसे रहेंगे। हे प्रभु, अपने परिवार का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, आशा कितनी भी ढूंढूं हाथ तो निराशा ही लगती है। भूख सता रही है तो इसका तो बड़ा सरल उपाय है, हम सभी दिन भर अलग अलग प्रकार के खेल खेलेंगे, इतना आनंद आएगा कि भूख अपने आप ही मिट जाएगी। पिताश्री आप तनिक भी चिंता मत कीजिए पिताजी, भूख की बात तो हम दीदी को सताने के लिए कर रहे थे और हमें कौन सी अधिक भूख लगी है। हाँ पिताजी, अगर आज भी भोजन ना मिला तो कोई बात नहीं, आप हमें कोई अच्छी सी कथा सुना दीजिएगा, बस हम सबको नींद आ जाएगी। हाँ हाँ पिताजी, और इतने दिन हो गए हमें तो अब हलवा पूड़ी खाने का मन ही नहीं करता है। अच्छा चलो, अब बातें बंद करो और खेल आरंभ करो, पिताजी को जाने दो। चलो दूसरों के लिए पूजा पाठ करने की उत्तम वृत्ति, ऐसा उत्तम कार्य करने वाला ब्राह्मण पूर्ण रूप से प्रभु पर ही निर्भर था। जो लोगों की इच्छा होती थी वो दे देते थे और मुझे उसी में ही संतोष करना होता था, किंतु परिवार भूखा रहे तो उसका मुखिया कैसे संतुष्ट रह सकता है। मेरे बालक भूखे रहकर भी मुझसे कुछ नहीं मांगते थे, किंतु उनकी पीड़ा तो मुझे विचलित करती थी और मैं उसे दूर करने के प्रयास के लिए प्रतिदिन के समान प्रभु श्री हरि नारायण का नाम लेकर उनकी कृपा की आशा में मैं एक बार फिर निकल पड़ा। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, भिक्षाम देही।
हरि ओम नारायण हरि, भिक्षाम देही। हरि ओम नारायण हरि, भिक्षाम देही। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। जो भी सच्चे मन से देना चाहे इस ब्राह्मण की झोली में डालने की कृपा करें। चलो जाओ, जाओ यहां से। भिक्षाम देही। ओम श्री नारायण हरि। एक पल कुछ तो प्राप्त हुआ, अब मेरी झोली खाली नहीं रहेगी। संध्या हो गई, आज भी प्रभु ने मुझे अपनी कृपा से वंचित रखा। प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? पिताजी, पिताश्री, मुझे भूख लगी है। मेरे बालक कितनी आशा से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको निराश होते कैसे देख सकूंगा मैं? आज मैं भूखा नहीं रहूंगा, मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। खाली झोली लेकर मैं कैसे आगे बढ़ूं? क्या चूरमा भी बनेगा? हम तो खूब खाएंगे। हे प्रभु श्री हरि नारायण, देखिए प्रभु, आज भी बस एक ही फल मिला, इस एक फल से सबकी शुदा कैसे तृप्त कर पाऊंगा मैं? कितने दिन हो गए, हमें तो अब हलवा पूरी खाने का मन ही नहीं करता है। नहीं श्री हरि, आज ये लाचार पिता मात्र एक फल लेकर अपनी संतानों के पास नहीं जा सकेगा। अब चाहे जो हो जाए, भले मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं ये खाली झोली लेकर अपने घर नहीं लौटूंगा। अपनी अंतिम श्वास तक भिक्षा मांगूंगा। आगे जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा प्रभु, आपकी इच्छा से। ओम जय नारायण।
संभालिए अपने आप को। हे ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ आना प्रभु हरि की ही कृपा है। आपके कारण ही मैं गिरने से बच गया। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं भूखा नहीं रहूंगा, मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। मुझे देखिए बहुत स्वादिष्ट लगती है। श्री हरि। श्री हरि। अभी भी हरि का नाम जप रहे हो, जिन्हें तुम पर तनिक भी दया नहीं आई। ना भिक्षा मिली ना कोई सुख, मिला तो बस एक फल, और अब तो वो भी नष्ट हो चुका है। भक्त तो बस भक्ति करना जानता है ब्राह्मण देवता, और भक्ति में स्वार्थ नहीं देखा जाता। सच्चा भक्त वही है जो प्रभु पर अंतिम श्वास तक विश्वास रखे। प्रभु हरि पर इतना विश्वास है तो प्रभु का वो व्रत क्यों नहीं रखते, जिससे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मैं प्रभु का व्रत अवश्य रखूंगा। पिताजी आ गए। इसमें भोजन की सामग्री है, किंतु मेरा संकल्प भी तो है। किंतु क्या पिताजी?